हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है संडे मॉर्निंग और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो आज हस्बैंड की छुट्टी है, दोनों लोग आराम से सो ही रहे हैं और मैंने भी नहीं उठाया उनको, क्योंकि सैटरडे लेट नाइट तक उनको रिपोर्टिंग वगैरह बनाने का काम होता है ना, तो इसलिए मैं नहीं उठाती हूँ। और नोनी भी आराम से ही सोता है, रात को लेट सोता है, तो इसलिए वो भी अभी तक सो ही रहा है। तो अभी सुबह ने झाड़ू तो लगा ली थी सुबह उठ के, अब मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो आज मेरे पास ना ये अमूल का चीज़ स्प्रेड काफ़ी दिन से रखा हुआ था और मैं एक दिन पहले ही ब्रेड लेके आई थी, तो मैंने सोचा आज वेज चीज़ सैंडविच बनाते हैं। तो गाजर भी मेरे पास रखी थी, उसको हल्का सा ग्रेट कर लिया था, साथ में एक प्याज काट के मैंने ऐड कर दी है, चीज़ मिला दी है इसमें, और इसके अलावा ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट, बस ये दो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। और यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस ले लूँगी, इनमें थोड़ा सा टोमेटो केचप मैं अप्लाई करूँगी, और उसके बाद जो मैंने स्टफिंग तैयार की है चीज़ और गाजर वाली, वो इसके ऊपर मैं फिल कर दूँगी। बस इसको दोनों तरफ से बटर लगा के सेक लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर सैंडविच बनाई है, और ये सैंडविच मैं पहली बार ही बना रही हूँ चीज़ यूज़ करके, तो खाने में तो अच्छी हो रही थी, अच्छा लगा। और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके मुझे बताना। तो दोनों तरफ से मैंने स्लाइसेस में बटर अप्लाई कर लिया है और तवा गरम कर लिया था, इसके बाद मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे सेक लूँगी, दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लेंगे, और खाने में चाय के साथ ये काफ़ी टेस्टी लगती है। कौन आया? देखो न्योनी। कौन आया? आओ देखो ना कौन है। न्योनी। मम्मा, मम्मा, मम्मा की यादें आई, मम्मा की यादें आई। दाई दाई दाई। मॉर्निंग, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं नोनी को अकेले छोड़ के, मतलब अकेले पापा के साथ छोड़ के बाहर गई। तो एक्चुअली मेरे पास एक कुर्ता पजामा था जो मैंने आज ही मंगाया था, नाइट सूट का कुर्ता पजामा, तो मुझे ऑल्टर करने के लिए देना था। ऑल्टर करके आएगा तो मैं दिखाऊंगी, तो ऑल्टर करना था, छोटा करना था, तो इसलिए मैं जल्दी से दे के आ गई। और यहाँ पे मैंने राजमा बॉईल करने को रखे थे, इसलिए नोनी के पापा को मैंने घर पे रखा कि आप मतलब यहाँ राजमा देखना, और मैं फटाफट से कुर्ता ऑल्टर करने के लिए दूँगी। और साथ ही मैं दही भी ले आई, डेयरी के दही और पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ना पास में एक डेयरी है, वहाँ की दही एकदम बेस्ट रहती है। जब से हमने इसकी दही खाई तब से हम लोग पैकेट वाली दही नहीं लाते हैं। तो रायता बनाना है मुझे इसका, और राजमा मैंने रखे हैं बॉईल होने के लिए। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है आज, बारिश वाला मौसम। और ब्लॉग का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, तो सारी चीज़ें मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूँगी, फ़िलहाल बहुत सारे काम हैं, सबसे पहले काम निपटाते हैं और फिर लंच करते हैं। तो राजमा बॉईल हो गए थे, इसके बाद मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी, और मैं खड़े मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ उसमें, बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से, आप बना के ट्राई करना। तो यहाँ पे सरसों का तेल गरम हो गया है, मैंने हींग जीरा इसमें डाला है, और इसके बाद दो मीडियम साइज़ की प्याज जिसको बारीक काट के ऐड किया, मैंने पेस्ट नहीं बनाया, बारीक काट के ऐड करूँगी। अगर आपके पास मैनुअल चॉपर है तो उसका यूज़ ज़रूर करना, उससे बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है ग्रेवी में। तो प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है करीबन 8 से 10 मिनट तक, और इसके बाद मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ कूट के इसमें ऐड कर दी हैं। और इसके बाद टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी, एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने ले लिया था, साथ में हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, और इसके अलावा सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट मैंने राजमा बॉईल करते टाइम पे भी डाला था, और यहाँ पे मसाले इसके साथ ऐड कर देंगे, तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और 1 से 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे राजमा मसाला का यूज़ किया है। तो इनको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते हैं और मसाले में से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। करीबन 7 से 8 मिनट तक हमें टमाटर को भी अच्छे से भूनना है जब तक कि मसाले में से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता है। और यहाँ पे आप मसाले का टेक्सचर देख भी रहे हैं और ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है।
तो राजमा काफ़ी अच्छे से मैंने बॉईल किए थे, एकदम गलाना है इनको 7 से 8 सीटी लगा के। और ये डिपेंड करता है राजमा पे भी, कोई राजमा 5 से 6 सीटी में गल जाते हैं, किसी किसी को 7 से 8 सीटी लगा के फिर पकाना पड़ता है। तो ये 7 से 8 सीटी लगाई थी मैंने इसमें। तो राजमा मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, साथ ही मैंने कुछ राजमा जो है अच्छे से मैश कर लिए। इससे ग्रेवी का बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और राजमा का अपना अलग ही टेस्ट होता है। तो बस उसको बॉईल कर लेंगे और हमारा राजमा मसाला बनके रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, और आज ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ जैसा मैंने एक बार भंडारे में खाया था। और देहरादून में याद होगा आपको कि एक बार मैं भंडारे में गई थी, तो वहाँ पर मैंने ये रायता खाया था और उसमें साबुत धनिया का तड़का लगाया था, उससे इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था रायते में, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। और बिलीव मी, ये बहुत अच्छा बना था और इसका अलग ही फ्लेवर रायते में आया और बहुत अच्छा लगा खाने में, सबको बहुत पसंद आया। और बाकी बूंदी के रायते में जो बेसिक चीज़ें पड़ती हैं वो तो मैंने डाली ही थी, भुना हुआ जीरा, साथ में ब्लैक सॉल्ट, प्लेन सॉल्ट और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और इसके अलावा मैंने एक एडिशनल चीज़ और ऐड की, घी में तड़का लगा के साबुत धनिया मैंने इसमें ऐड किए थे, और ऊपर से मैंने डाल दी है बूंदी, और ये सुपर टेस्टी बूंदी का रायता रेडी हो गया है। नोनू अभी फ़ोन के लिए रो रहा है और मैं उसको फ़ोन बिल्कुल नहीं देती हूँ आजकल। और यहाँ पे राइस रख दिए हैं, राजमा बन गया है, नोनी के लिए दाल बनाई है मैंने और बूंदी का रायता, तो ये हमारा लंच है। और सैलेड के लिए खीरा नहीं था तो मैंने खीरा मंगाया है, और साथ में मौसमी 1 kg मौसमी, और ये है बीटरूट, मौसमी और बीटरूट का जूस नोनू के लिए बनाऊँगी मैं, और ये है हरा धनिया 100 ग्राम। इनका हरा धनिया बहुत फ्रेश रहता है, मैं जब भी मंगाती हूँ काफ़ी फ्रेश और हरा हरा सा देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। तो ये पूरा बंच है, एकदम फ्रेश लग रहा है देखने से। अभी जो है इतने सारे बर्तन हो गए हैं और ढेर सारे बर्तन मुझे और करने हैं, और मुझे मक्खन निकालना है। अंदर वाले रूम का जो मैट्रेस है उन्होंने ने कल वो गीला कर दिया था, वो धूप में डाला था, तो अंदर वाला बेडरूम जो है वो भी मुझे टाइडी अप करना है। एक बजने वाला है, सारा खाना बन गया है और हस्बैंड नीचे कार की धुलाई करने गए हैं, तो यहाँ से बाल्टी में पानी लेके, क्योंकि पार्किंग एरिया में पानी का कोई सिस्टम नहीं है, तो पानी लेके वो गए हैं। नोनी को भी वहाँ बिठा के लेके गए थे, मतलब नोनी को भी लेके गया था अपने साथ। नोनी ने क्या किया, कार में ही सुसु कर दिया और कार सीट पूरी भिगा दी, है ना, कहाँ किया बेटा सुसु, कार में। तो एक कार की सीट गीली करके आ गया है और फिर उसके पापा इसको ऊपर जोड़ के चले गए वापस। यहाँ इतनी तेज़ हवा चलती है ना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ के आती है। तो फाइनली आते हैं मेन टॉपिक पे, और जो कि सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, जिस चीज़ का मैं काफ़ी टाइम से, मतलब कितने सालों से वेट कर रहे थे। एक सेकेंड, मेरे ना रबर लगा के बालों में हेडेक हो जाता है और खाना बनाते टाइम मैंने रबर लगाई हुई थी। तो यस, टॉपिक टाइटल आपने देख ही लिया है, एंड द डे हैज़ कम, वी आर फाइनली गोइंग टू पिथौरागढ़, आवर होम टाउन, और नोनी को लेके हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अपने घर। और नोनी पहली बार अपने घर जाएगा, दादा दादी नाना नानी, अपनी दीदी से मिलेगा, ताई से मिलेगा, और बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई बहन से मिलेगा। तो आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये सारी चीज़ें अचानक प्लान नहीं हुई हैं। तो जब से हम इंदौर आए ना, इंदौर आने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पे। इंदौर अच्छा शहर है, नो डाउट, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगी मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग घर से आने के बाद, मतलब देहरादून से आने के बाद, ऐसा लग रहा था कि हम घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं। नोनी देखो पापा आ गए क्या, उधर देख के आओ। घर से आने, मतलब देहरादून से आने के बाद ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं हम घर से, और ऐसा लग रहा था पता नहीं एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, यहाँ कोई अपना नहीं, घर भी हमारा बहुत दूर है और पता नहीं कब जा पाएंगे। और वैसे भी आप सबको पता ही है, लास्ट टाइम हम पिथौरागढ़ गए थे 2020 में। अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और आई थिंक इसको भूख भी लग रही है, आज ये बहुत लेट उठा था। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इधर आके, देहरादून से इंदौर आने के बाद मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी उत्तराखंड को और अपने घर को। तो फिर मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं घर कब जाऊँगी, और वेट कर रही थी कि जल्दी से कुछ ऐसा हो कि हम घर जाएँ। लेकिन मैंने सोचा हम लोग वेट करते ही रहेंगे और घर जाने का प्लान पता नहीं कब बनेगा, हमें कब तक यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। और आप सबको पता है मिस्टर रावत के 2
टूर इतने होते रहते हैं, वो घर पे बहुत कम रह पाते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। वो जब भी टूर पे जाते हैं तब तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगता था कि हम अकेले रह गए हैं और नोनी के साथ खेलने वाला कोई नहीं है। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि हस्बैंड को तो छुट्टी मिलती नहीं है और इनकी छुट्टियों का वेट करेंगे तो फिर हम घर पता नहीं कब जा पाएंगे, और जा भी पाएंगे तो हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनको बहुत कम छुट्टियाँ मिलती हैं, इतनी छुट्टियाँ मिलती ही नहीं है कभी, आपने देखा होगा हम कभी भी इतना ज़्यादा घर पर नहीं रह पाए। तो फिर मैंने सोचा इस बार हम जो है मैं नोनी को लेके जाऊंगी घर और मिस्टर राउत यहीं रहेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने घर पे बात की और इन लॉज से बोला कि आप हमें लेने के लिए इधर आ जाओ। तो मम्मी पापा दोनों तो नहीं आ पाएंगे तो इसीलिए फादर इन लॉ आ रहे हैं नोनी को और हमको मुझको लेने के लिए इंदौर। तो मम्मी तो नहीं आ सकी लेकिन फादर इन लॉ आ रहे हैं एंड यस वो एक दो दिन में हम यहाँ आ जाएंगे, इंदौर आ जाएंगे, और उसके बाद नोनी और मैं जा रहे हैं पिथौरागढ़। और इस बार कम टाइम के लिए नहीं, काफ़ी अच्छा खासा टाइम हम वहाँ स्पेंड करने वाले हैं और आपको आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग और उत्तराखंड के हमारी देवभूमि के हमारे घर के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो अभी भी मुझे ड्रीम जैसा ही लग रहा है कि नोनी को लेके हम फर्स्ट टाइम घर जा रहे हैं। सोचा तो ये था कि हम तीनों लोग एक साथ जाएंगे घर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हस्बैंड की जॉब ही ऐसी है, मजबूरी हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा हम लोग जाएंगे इस बार घर, और वैसे भी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मतलब त्यौहार का सीज़न हम स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहला रक्षाबंधन आने वाला है। तो इसीलिए कब जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो इसीलिए लास्ट वन मंथ पहले ही डिसाइड हो गया था कि हम नेक्स्ट मंथ घर जाएंगे, तो डेट का फाइनलाइज नहीं हुआ था कि कब जाएंगे। तो एक्चुअली बीच में नोनी का वैक्सीनेशन हो गया और फिर उसके बाद 3 वीक्स के बाद नोनी को एक वैक्सीन, मतलब दो वैक्सीन और लगनी है, तो इसलिए इसके वैक्सीन की वजह से रुके हुए हैं अभी तक। अदरवाइज़ हम अभी तक, मतलब अगस्त स्टार्टिंग में हम घर जा चुके होते, तो जस्ट बिकॉज नोनी की वैक्सीनेशन ड्यू है दो, तो इसलिए उसकी वजह से रुके हैं। जैसे ही नोनी का वैक्सीनेशन हो जाएगा फिर हम यहाँ से पिथौरागढ़ चले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी रहने वाली है तो डर भी लग रहा है कि नोनी को लेकर इतना लॉन्ग टूर हमने किया नहीं है, कैसे होगा, खासकर पहाड़ों का, और पहाड़ों के सफ़र में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, नोनी को मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो थैंकफुली पापा साथ में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन जैसा भी रहेगा सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। पहला एक्सपीरियंस रहने वाला है इतना लॉन्ग टूर का, खासकर बच्चे के साथ में, तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी है लेकिन घर जाने की एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा खुशी। और मुझे पता है कि आप सब लोग भी ये ब्लॉग देख के, ये सुन के कि हम घर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि आपके इन लॉज कब आ रहे हैं, आप घर कब जा रहे हो, आपके घर वाले कब आ रहे हैं। तो घर वाले तो नहीं आ रहे हैं लेकिन हम जा रहे हैं और पापा आएंगे हमको लेने के लिए, तो कब आ रहे हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊँगी। तो फिलहाल ये थी हमारी सबसे बड़ी गुड न्यूज़, जिस चीज़ का आई थिंक आप सभी वेट कर ही रहे होंगे, मतलब 2-3 साल से हम लोग घर नहीं जा पाए तो वेट कर रहे होंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये शेयर करते हुए कि हम लोग अपने घर जा रहे हैं। तो इसके बाद लंच थाली मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये डिलीशियस राजमा ज़रूर आप ट्राई करना, रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है और बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि राजमा हम बहुत कम बनाते हैं लेकिन आज बनाया था, हस्बैंड को बहुत पसंद आया। तो ये हमारी सिंपल सी लंच थाली थी, ग्वार की फली मैंने रात को बनाई थी, वो लेफ्ट ओवर थी, उसके अलावा राजमा, बूंदी का रायता, राइस और सैलेड। तो ये माउथ वाटरिंग थाली देख के किस किस के मुँह में पानी आया कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड इवनिंग, तो अभी शाम के 4 बज गए हैं, नोनी और उसके पापा अंदर हैं बेडरूम में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। नोनी आज जल्दी सो के उठ गया था एक्चुअली, तो मैंने कहा कि आज नोनी को आप देखो और मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो पिछले 1 महीने से घर जाने की मैं थोड़ी थोड़ी तैयारियां कर ही रही थी, और मैंने घर जाने के लिए ढेर सारी शॉपिंग भी की है, जो कि मैं टाइम आने पे दिखाऊंगी आज या फिर कल, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और मक्खन भी मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा और मुझे जल्दी से मक्खन बनाना है, क्योंकि नोनी के पापा फिर नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें, तो ये तो सब मुझे ही करके जाना पड़ेगा। और इसीलिए गर्म कपड़े सुखाना, सीलन वगैरह चेक करना, घर की सफाई करना, जो भी एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग थी वो सब मैंने अभी कर ली है, कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है। तो इसीलिए मैं सोची थी घर जाने से पहले एक बार अच्छे से घर चेक कर लूँ, देख लूँ, और कपड़े वगैरह मैं सब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके जाऊँगी ताकि मेरे पीछे नोनी के पापा को कोई भी कपड़े वगैरह ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो रहा। तो इसके बाद मैं सबसे पहले मक्खन बनाना स्टार्ट करूँगी, और यहाँ पे मलाई 3-4 घंटे पहले मैंने फ्रिज से बाहर निकाली थी,
तो नॉर्मल पे आ गई थी ये और बहुत जल्दी बन गई थी, करीबन 5 से 10 मिनट इसको ब्लेंड करना पड़ा था। लेकिन बीच में जब एकदम ठीक हो जाती है ना तो हाथों में दर्द होने लगता है, तो यहाँ पे मिस्टर राउत को मैंने बुलाया था हेल्प के लिए और बहुत ही जल्दी बहुत ही इजीली काफ़ी सारा मक्खन निकल के तैयार हो गया था। तो मैं मक्खन निकालूंगी और कुछ हम खाने के लिए भी रखेंगे, रोटी पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और बाकी ये जो है मैं गरम कर लूँगी और इससे बढ़िया सा घी बना के तैयार हो जाएगा। मीनवाइल मैंने गर्मा गर्म चाय भी चढ़ा दी थी क्योंकि संडे का दिन है और साथ में बैठ के चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। तो बस चाय बन रही है और चाय बनते हुए देख के ना नोनी ज़रूर आ जाता है वहाँ पे ताए बोलते हुए। तो बस शाम की चाय पी के हम थोड़ी सी आउटिंग पे निकल गए थे और एक्चुअली हमें मार्केट में कुछ काम था, तो फिर मौसम भी अच्छा हो रहा था ऐसे में थोड़ा सा ड्राइव पे हम लोग निकल गए और काफ़ी माइंड फ्रेश हो जाता है इस तरह से कभी कभी बाहर निकलो ना। तो बस आधे एक घंटे में हम लोग आउटिंग करके घर वापस आ गए थे और आते ही सबसे पहले मैंने दिया बत्ती कर ली। तो घी बना था मैंने इस वाले के डब्बे में डाल दिया, इसमें एक्चुअली मैंने जो पहले लास्ट मंथ बनाया था ना वो भी था आधा, तो आज ये पूरा फुल हो गया है, सारा इसमें आ गया। आज डिनर के लिए बहुत सारी चीज़ें बची हैं, तो इसमें राइस भी है थोड़े से और राजमा भी हैं इसमें, और दोपहर में दाल बनाई थी वो भी रखी हुई है। 7:30 बज गए हैं अभी, नोनी के पापा नोनी को नीचे फुटबॉल खिलाने के लिए ले गए हैं। मैंने उनसे बोला कि थोड़ी देर उसको फुटबॉल खिला के ले आओ क्योंकि यहाँ पे भी वो परेशानी होता है, इससे अच्छा थोड़ी देर खेल लेगा। इसी बहाने नोनी के पापा उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे क्योंकि वो संडे के दिन भी अपना काम ही करते रहते हैं, तो उनको बोलना पड़ता है जाके थोड़ी देर इसके साथ खेल लो। और जैसे वो नीचे गए फिर जल्दी से मैंने ढेर सारे बर्तन वॉश किए, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं घर जाने से पहले, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी हैं और पैकिंग की तैयारी करनी है, बहुत सारे कपड़े कौन से ले जाने हैं क्योंकि वहाँ का वेदर अब कुछ टाइम में वहाँ ठंड शुरू हो जाएगी, तो उसके हिसाब से भी मुझे कपड़े सोचने हैं अपने भी नोने के भी और बच्चे के साथ कितना सारा सामान होने वाला है, तो वही सब टेंशन चल रही है आजकल। और थोड़ा सा मतलब माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्साइटमेंट है, स्ट्रेस है और थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि मिस्टर रावत हम मतलब हमारे बिना यहाँ अकेले रहेंगे और वो कैसे मैनेज करेंगे। उनका यही कहना है कि मैं बाहर से खाना खा लूँगा और अगर कभी टाइम मिला, वैसे तो उनको टाइम होता नहीं है तो वो बाहर से खाना खा लेते हैं, और अगर कभी टाइम हुआ संडे के दिन छुट्टी के दिन तो वो घर पे ही बना लेंगे, तो ऐसा चुनके खाने का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो ज़्यादातर टूर पे ही रहते हैं और उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो तो मैनेज कर लेंगे। और हमें भी घर जाने की बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है। ये व्लॉग बहुत 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 स्पेशल था। इसी गुड न्यूज़ के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली ये व्लॉग देख के आप सब बहुत खुश हुए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आते हैं और इस तरह के व्लॉग्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आगे भी आपको अच्छे अच्छे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय।